press the bell icon and never miss any updates from Telereporter. जैसे कि अभी हाल फिलहाल के टेलीकास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि विजय जेल में है. सो विजय पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि प्रभात भैया का मर्डर विजय ने किया है. तो बुलबुल बहुत समय से प्रूफ ढूंढ रही है. सो मैं बुलबुल को बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है. सो बेसिकली मेरी शर्त यह है कि मैं विजय के साथ उस घर में रहना चाहती हूँ, ये मेरी शर्त है. सो अभी बुलबुल वही कंफ्यूज है. उसने बोल तो दिया कि हम मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप बोलकर तो देखिए. लेकिन अब यही सवाल है कि बुलबुल क्या ये मेरी जो शर्त है वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मेरे अलावा विजय को कोई जेल से बाहर नहीं निकाल सकता. सो मैं उसको हाथ देकर उसको बोल रही थी कि तुम मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो वो सोचती है और फाइनली वो मेरा हाथ थामती है. लेकिन अभी तक उसको डिटेल में मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ. तो जब उसको बताऊँगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका. एक्चुअली अनंत को जब ये पता चला कि विजय और मेरा पहले अफेयर था, सो अनंत को ऐसा लगा कि विजय ने उसको धोखा दिया है. तो इसीलिए अनंत विजय से बदला लेने के लिए कि तुमने मुझे धोखा दिया है, विजय को प्रभात भैया के झूठे मर्डर केस में फंसा देता है. और फिर मैं पूरे वक्त कोशिश करती हूँ विजय को बताने की, लेकिन अनंत ने मुझ पर भी नज़र रखी हुई है कि कहीं मंदिरा उसके टूवर्ड्स वापस ना जा सके. सो ये पूरा बदले के वजह से हुआ है. अनंत को ये लग रहा है कि उसको धोखा दिया है मैंने और विजय ने मिलकर.